व्यूअर से एक पौधे को निकाल कर देखते हैं, उसका रूट स्ट्रक्चर भी चेक करते हैं। ये देखें, ये बहुत ही आराम से, ये इसको अगर थोड़ा सा दबाव देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये इसका देखें, ये इसका रूट स्ट्रक्चर है। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी रूट्स डेवलप हुई हैं ये, और ये आराम से पौधा जो है वो हम ज़मीन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आप को एक और बात बताते चलें कि जो सीड है, सीड जर्मिनेशन के बाद पनीरी को किस वक्त ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो दो पत्ते हैं ये इनिशियली निकले थे सीड के साथ, इसके बाद ये जो दो पत्ते निकले हैं इनको ट्रू लीव्स कहते हैं। ये जो ट्रू लीव्स हैं, दो पत्तों के बाद मज़ीद जो दो पत्ते निकलते हैं, ट्रू लीव्स जब निकलें तो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैच्योर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो निकल भी आए तो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पनीरी जो है वो बहुत ही सेहतमंद हो चुकी होती है इस वक्त, तो ईज़िली आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको घिया तोरी, या जिसे काली तोरी भी कहते हैं, उसकी सीड जर्मिनेशन का रिज़ल्ट दिखाएंगे। ये सीड जो है ये हमने ट्रेज में लगाए थे तकरीबन एक माह पहले। ये 30 दिन का रिज़ल्ट है, इसको हमने शापर के नीचे रखा था इस जगह पर। इसके ऊपर हमने शापर डाला हुआ था क्योंकि उस वक्त सर्दी का मौसम भी था, तो इसको प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह देने के लिए इसको हमने शापर के नीचे रखा था। और इसको हम पानी जो है वो हम इसको रोज़ का तकरीबन एक या दो मरतबा, जब इसको पानी की ज़रूरत होती थी, जब मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूख जाती थी, उस वक़्त देते थे। तो ये 30 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल 100% सीड जर्मिनेशन हुई है इसकी। हर एक बीज जो है वो इसका उगाया। अब इसको हम इंशाल्लाह ताला आज जो है हम अपने प्लाट में ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्लाट में हमने और बहुत सारी सब्जियां भी लगाई हुई हैं, इसमें हमने प्याज है, खीरा है, पालक है, धनिया है और करेला भी है, और इसके साथ हमने टमाटर और टमाटर भी लगाया हुआ है। तो ये हम आज इसको ट्रांसफ़र करेंगे। सीड जर्मिनेशन का रिज़ल्ट आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। व्यूअर्स, एक पौधे को निकाल कर देखते हैं, उसका रूट स्ट्रक्चर भी चेक करते हैं। ये देखें, ये बहुत ही आराम से, ये इसको अगर थोड़ा सा दबाव देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये इसका देखें, ये इसका रूट स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी रूट्स डेवलप हुई हैं ये, और ये आराम से पौधा जो है वो हम ज़मीन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।